हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सेल या मैक उनके रिलेशन समझाए थे आपको। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टू सेल्स के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लिया आपके पास ये सेल है, ये ए पॉइंट है, ये कोई क्या है आपका बी पॉइंट है। ठीक है, एक का ईएमएफ क्या है ई1, और एक का रेजिस्टेंस आर1, ईएमएफ ई2, रेजिस्टेंस आर। करंट आई क्या कर रहा है? इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके डेरिवेशन मैं समझाऊंगी, पर ई इक्विवेलेंट जो होगा वो यहाँ पे होगा E1 प्लस E2। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? ऑलवेज R1 प्लस R2। फिर मैं समझाती हूँ कि आया कैसे आपका। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ बाई किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्या निकालेंगे? बाई किरचॉफ्स लो, क्या बन जाएगा? वी ए माइनस ई वन, वी ए माइनस ई वन प्लस आई आर वन माइनस ई टू प्लस आई आर टू बराबर वी। किरचॉफ्स लॉ से हम ऐसे सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को, तो वी ए माइनस वी बी इधर जाएगा, तो ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन माइनस आई, इसको क्या ले सकते हो? वी ए माइनस वी बी, ये ई इक्विवेलेंट बन गया, ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन आर वन प्लस आर। तो देखो ये हम वी हो गया हमारे पास, इसको हम डेल्टा वी मतलब वी से लिख सकते हैं। ये हमारा ई इक्विवेलेंट हो गया माइनस आर इक्विवेलेंट, यही होता था हमारे पास, वी इक्वल टू ई माइनस आर आई आर। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा मेरा? ए वन प्लस ए टू, आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा? आर वन प्लस आर टू। ठीक है, समझ आया? आप सर्किट देखो, तो इस तरीके कितनी भी सेल हो, दो हो तीन हो, उन सबका इक्विवेलेंट क्या कर देना आपको? कॉम्बिनेशन वहां पे कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार। अगर दो सेल अपोजिट में हो जाए, अगर ये सेल ऐसे कनेक्टेड है, आपकी बार ये सेल ऐसे हो जाए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, तब ई इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका? ई वन माइनस ई टू, और आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा आपका? आर वन प्लस आर। आपकी बार ये ई वन, ये आर वन, ये ई टू और ये आपका आर। ठीक है, समझ आया? अरे ये ई वन, ये आर वन, ये ई टू, ये आपका आर टू। आपके पास सेल की पोलरिटी रिवर्स कर दी मैंने, तो देख अभी बता भी देते हो कैसे आया, बाकी लिखिए जल्दी से। जब पोलरिटी रिवर्स में होगी सेल की, तो वो आपस में घट जाएंगे, जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स कर दी पोलरिटी आपने, तो क्या बने? ई वन माइनस ई टू। जो सेम पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो क्या बन जाएगा? ई वन प्लस ई टू। ठीक है, ये ध्यान रखना, हटा दो एक बार। अब इसमें देखो, इसके अकॉर्डिंग किरचॉफ्स लॉ लगाओ, इसके अकॉर्डिंग लगाओ भाई किरचॉफ्स लॉ। देखो इसको मैं इधर बना रही हूँ, ये सेल है, आपकी बार मैंने सेल को रिवर्स कर दिया, ये आर टू, ये आपका आर वन, ये ई टू, ये आपका ई वन, ये वी ए और ये आपका वी बी। ठीक है, क्या बन जाएगा? वी ए माइनस ई वन, ये करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, माइनस का आई आर वन, ये प्लस का ई टू माइनस का आई आर बराबर वी बी। इसको इधर ले आओ, वी ए माइनस वी बी ये उधर जाएगा, तो ई वन माइनस ई टू, ये माइनस आई प्लस आई आर वन प्लस आई आर। ठीक है, ये दोनों उधर जाएंगे, तो नहीं एक मिनट, हम ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे आ रहा था ना पाथ, ये ऐसे जा रहा था, हम ऐसे प्लस लेंगे इसको, प्लस
इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, या आई कॉमन ले लो इसमें से, तो आर वन प्लस आर, अरे दोनों मैंने आई कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया बी ई वन माइनस ई टू। तब सेल की पोलरिटी रिवर्स होगी तो क्या बन जाएगा आर वन, देखो ये बना ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो पोलरिटी रिवर्स होगी तो क्या बन जाएगी ई वन माइनस ई, मतलब द सेल ऐसे कनेक्टेड होगी। फिर से देख लो एक नोट डाल के, अगर एक सेल ऐसे फिर से रेजिस्टेंस इसके अंदर ही है, मैं दिखा नहीं रही हूँ बस, तो ये ईएमएफ क्या होगी ई वन प्लस ई टू अगर ऐसे कनेक्टेड है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक सेल का पॉजिटिव उस उल्टी रिवर्स में कनेक्टेड है कि नेगेटिव नेगेटिव के सामने है पॉजिटिव, तो नेट ईएमएफ हो जाएगी ई वन माइनस ई टू, ज्यादा में से कम को घटा देना, क्या करोगे उस सिचुएशन में ज्यादा में से कम को सेपरेट कर देना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया एक क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड। सिंपली अगर मैं ये कह दूं, हटा दूं ये, सिंपली अगर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लिया ऐसे आपका ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक तीसरी सेल है, इसका मान लिया 6 वोल्ट है, ये मान लिया 1 ओम है, ये भी मान लिया 1 ओम है, 2 ओम है, ये मान लिया 3 ओम है, ये मान लिया 4 वोल्ट है, ये मान लिया आपकी 2 वोल्ट है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, 2, 3, आर इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, आर हमेशा ऐड होगा, ठीक है, 6 ओम, कितना हो जाएगा ये 6 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये दोनों सेम से है तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा 6 टू 8, ये अपोजिट में है तो 6 प्लस 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो सर्किट में क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये 4 वोल्ट और ये आपका 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए इसमें 1, 2, 3, नेक्स्ट देखिए इसी में, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो देखिए ये एन सेल्स है, ये सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कैसे कनेक्ट है ये सीरीज में, ठीक है, ये आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये एन आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है। तो क्या बनेगा तब, करंट कैसे बनेगा, देखिए करंट मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा वो फाइंड आउट करो। फाइनली सर ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ एन सेल्स क्या बन जाएगा, एन ई, हर एक का ईएमएफ ई है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या इस बार आपका आर, अलग अलग होगा तो वैसे निकाल लें, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका एन आर, अरे आर प्लस आर सीरीज में है ना, कितना बन जाएगा एन आर, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस, तो सर्किट क्या बन गया, अब यहाँ से ये कुछ इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ से बना दूं मैं, थोड़ा इक्विवेलेंट सर्किट, ये हो गया हमारा एन आर, ये हो गया एन ई, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस में एन आर, आई क्या होता है आपका टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है एनी, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस में एन आर, तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से एन
शब्दों में आर प्लस में एन आर। समझ आ गया इतना? क्लियर? क्लियर हो गया? 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अगर केस देख लो, यहाँ पे केस देखो, केस देखिए, केस इफ आर ग्रेटर देन है किससे? एनआर से। आर ग्रेटर देन है किससे? एनआर से। ठीक है, क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई आर। ठीक है, इफ एन आर ग्रेटर देन है किससे? आर से। मतलब कि यहाँ पे एक्सटर्नल ज्यादा है किससे? इंटरनल से। तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। करंट क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में तो क्या बन जाएगा? एन ई बाई एन आर। करंट क्या होगा? मिनिमम। मतलब क्या बनाइए? ई बाई आर। ई बाई आर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इन दैट केस, इन दैट केस क्या लिख लोगे यहां से? आप यहां से क्या समझ आया? वैन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तब करंट क्या होगा आपका? मैक्सिमम। जो सेल किसमें लगी हुई है? सीरीज में। जब नंबर ऑफ सेल्स किसमें? आपकी सीरीज में। तब जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इंटरनल से तो करंट क्या होगा आपका? मैक्सिमम। नोट कर लीजिए जल्दी से, एक बार फास्ट जल्दी नोट करो। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ, इसी पे अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एन सेल्स ऑफ ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, पॉजिटिव किसे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब एक के बाद ऐसे कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? कि पॉजिटिव कनेक्टेड है किससे? नेगेटिव से। ठीक है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन। वो कह रहा है कि एन सेल्स है वो इस तरीके से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक की ईएमएफ क्या है? आपकी ई है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स आर रिवर्स्ड, एम सेल्स की पोलैरिटी क्या कर दी? रिवर्स्ड कर दी। ठीक है, तो फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर। अभी हमने निकाला, अभी निकाला तो उसमें क्या था कि टोटल सेल्स सारी किसमें कनेक्टेड थी? सीरीज में। रिवर्स नहीं करी थी पोलैरिटी, जैसे मैंने पहले समझाया, अगर सेल्स ऐसे कनेक्टेड है एक के बाद ऐसी, टोटल ईएमएफ क्या बन जाएगी? ई वन प्लस ई टू। ठीक है, अगर मैंने कहा कि सेल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी ना मैंने, तो ईएमएफ क्या बनी थी? ई वन माइनस ई टू। पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो कुछ ईएमएफ घट जाएगी। ठीक है, तो आपके पास वही क्वेश्चन बना यहाँ पे भी कि पोलैरिटी क्या कर दी उसने? रिवर्स कर दी एम सेल की। तो ई इक्विवेलेंट ऑफ एन सेल क्या बन जाएगा? ई प्लस ई प्लस ई, कितना बन गया? एन ई बन गया। ठीक है, नाउ एम सेल्स आर रिवर्स, एम सेल्स आर रिवर्स्ड, तो क्या बनेगा? ई इक्विवेलेंट, ई डैश लिख दो, ई इक्विवेलेंट क्या बनेगा? एन ई माइनस एम ई। देखो एक बार, एक छोटी सी चीज, यहाँ पे जो मिस्टेक करते हो, यहाँ पे ये माइनस एम ई एक बार और होगा। मैंने कहा 10 सेल है, मैंने कहा 10 सेल है, कितनी सेल है मान लें, सपोज 10 सेल है, वो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, 2 सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, 10 सेल है वो सीरीज में कनेक्ट, एन को छोड़ो, मैंने कहा 10 सेल है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब उनकी दो की पोलैरिटी क्या कर दी? रिवर्स कर दी, दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो कितनी बची? 8 सेल बची ना, कितनी सेल बची? 8 ही बची ना, अरे सीधी तो आपको 8 ही बची ना, 10 में से 2 घट गई ना, कितनी बची आपकी? 8। अब 8 में से, अब 8 सेल तो अब आपके ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कि
आठ सेल तो अब आपकी ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे 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 तो आठ है, और दो सेल आपकी ऐसे कनेक्टेड है, पोलैरिटी रिवर्स है दो सेल की, तो क्या लिखोगे? आठ माइनस दो, टोटल में से छह मिलेगा, तो दस में से कितना घटाया आपने? चार। दस में से कितना घटाया आपने? चार। तो मतलब कि देखो कैसे करा, फिर समझे इस बात को कि दस सेल है, कितनी सेल है मान लिया, एन को छोड़ो दस है आपकी, दस में से दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो कितनी बची? आठ ही तो बची ना, तो ये आपकी आठ बची यहां तक तो ये वो आठ बची वो है, ठीक है। अब वो पोलैरिटी रिवर्स के लिए आप क्या करते हो? इवन माइनस ई टू, तो ये तो इवन बन गया आठ तो, और ये दो तो क्या बन गई? ई टू। भाई दो टोटल सेल कितनी है? दस, दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, अब सीधी कितनी कनेक्टेड है? आठ ही तो कनेक्टेड है ना, आठ एक के बाद एक है, दो की पोलैरिटी रिवर्स है, तो आठ सेल की पोलैरिटी तो इवन है और दो सेल की पोलैरिटी ई टू है, तो मतलब ये बना ये इवन और ये आपका ई टू, तो क्या लिखते हो नेट ईएमएफ? इवन माइनस ई टू, यही तो लिखते हो। तो ये इवन कैसे आया आपका? जब आपने आठ में से दो को घटाया, पहले दस में से दो को घटाया, तो क्या लिखोगे? ये आपका इवन आएगा एक तरीके से, एन माइनस ई बाई ई, ठीक है, ये आपका इवन आया। अब आपकी दो सेल और रिवर्स में कनेक्टेड है, एम सेल कनेक्टेड है ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एम ई एक बार और करेंगे। आई बात समझ में? मैंने क्यों करा भाई? देखो एन सेल थी, एम सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो कितनी बची? बची कितनी? एन ई माइनस एम ई बची। अब इक्विवेलेंट निकालना, अब क्या निकालना है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में क्या करते हो? ई वन माइनस ई टू। एन सेल तो ये सेल तो वो है जो सीधी पोलैरिटी में कनेक्टेड, जैसा कि आठ सेल, तो ये तो आठ सेल के बराबर है, और ये कितने के बराबर है? दो सेल के बराबर, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? दो बार एम ई घटाएंगे, दो बार एम ई को घटाएंगे, एक बार तो बची कितनी? आठ, और आठ में से पोलैरिटी कितनी की रिवर्स है? दो की, तो दो उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, ये बात समझ आ गई होगी शायद अच्छे से। फिर से देख लो, दस सेल है, दस में से दो की पोलैरिटी रिवर्स हो गई, तो कितनी बची आपके पास? आठ ही तो बची ना, तो ये आठ सेल और दो की पोलैरिटी रिवर्स है, टोटल तो दस ही है ना आपकी, तो आठ में से कितनी सेल घटेंगी अब आपकी? दो, तो कितनी मिलेगी? छह। तो अब मैं कहूँ एन है, एन सेल है, ठीक है, एन में से कितनी घटाओगे? एम। एन में से कितनी घटाओगे? एम, और पोलैरिटी कितनी की रिवर्स है? दो की, तो एम दो बार घटेगा, एम टू टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बच जाए। समझ आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या बनेगा? एन माइनस एम ई, ये बची कितनी? देखो एन ई थे, एम की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो कितनी बची? एन माइनस एम ई, ठीक है, कितनी की रिवर्स है? दो एम की, तो एम को फिर से घटा दी, तो ये बचेगा इक्विवेलेंट एन माइनस एन ई माइनस टू एम ई। इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? इधर से ये हटा दो, ये थोड़ा इधर से जगह बना थोड़ी सी, ठीक है। तो ये बना अब आपका ई इक्विवेलेंट बना एन माइनस टू एम इंटू ई। अब आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस आर इंटू एन आर हो जाएगा, और टोटल एक्सटर्नल कितना लगा हुआ है? आर, तो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल इसके साथ कितना लगा हुआ है? आर, तो टोटल बन जाएगा आर प्लस में एन आर। आई क्या बन जाएगा? एन माइनस टू एम इंटू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस में एन आर, ठीक है। तो हम जब एक सेल को पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं दो सेल की, तो ये इस तरह से ये सेल इफेक्टेड हो गया। एम सेल पोलैरिटी, तो एन क्या बता रहा है? एम कह रहा है नंबर ऑफ सेल इफेक्टेड, नंबर ऑफ सेल इफेक्टेड, ठीक है। एम क्या है? जो पोलैरिटी रिवर्स में कनेक्टेड करी, तो ऑप्शन कौन सा ये देख लो, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एन माइनस एम मत कर देना, सी ऑप्शन मत कर देना, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने फिर बड़े अच्छे समझाया कि आठ दस सेल है, दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो सीधी पोलैरिटी में कितनी है? आठ, आठ में आठ इवन है और दो क्या है? ई टू। फिर क्या करोगे? इवन माइनस ई टू, तो आठ माइनस दो छह बचेगी। तो आठ कैसे बची? वो जब आपने दो घटा दी दस में से, तो आपके पास टोटल एन ई थे, एन ई में से एम ई घटा दोगे, एम ई घटा दोगे तो वो इतनी बची। अब ये इवन और ये ई टू, इवन माइनस ई टू, तो इवन क्या है? एन ई माइनस एम ई, ई टू क्या है आपकी? एम ई, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।
नोट करो जल्दी से, 1 2 3 पॉज करके नोट कर लो, जल्दी नोट करो पॉज करके। नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो। आप देखो सेल से पैरेलल, ये सीरीज की बात करी, अब बात करते सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ
putting the value of I1 and I2. ठीक है, इन थर्ड ठीक है, क्या पुट हो जाएगा, I is equals to क्या बना, क्या है वैल्यू, E1 माइनस V बाई R1 ठीक है, प्लस E2 माइनस V बाई R. ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं. नोट कर लो, इतना लिख दो, यहाँ पे जगह है थोड़ा. E1 बाई R1 प्लस ये माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R. इतना नोट करो जल्दी से, कर लिया नोट, नोट हो गैया. अब देखो मैं हटा रही सबको, 1 2 3 जल्दी पॉज करके नोट कर लो. अब मैं इधर से हटा रही सब, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से I इज इक्वल्स टू ये बना E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बार 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R. इसको इधर ले आओ, ये बना V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस R. ठीक है, तो V निकालो यहाँ से, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ठीक है. V बराबर ये नीचे आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ठीक है, माइनस I अपॉन में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ठीक है, क्या जाएगा 1 बाई R1 अपॉन में 1 बाई R2 ठीक है. तो ये क्या बना, देखो V क्या होता है, E माइनस आई आर, माइनस का आई आर, तो ये क्या बना, E इक्विवेलेंट. तो E इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो गया, E1 R1 प्लस E2 R2 ठीक है, डिवाइडेड बाय E इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R ठीक है. और R इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट, वो यही आ जाएगा ठीक है. नोट कर लोगे इसको, जल्दी से नोट कर लो इसको, कर लिया नोट कर लो, ये आपका यही बताया था मैंने, ये इक्विवेलेंट ये आ जाएगा आपका, बस यही ध्यान रखना था, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लिया, इधर से नोट कर लिया. तो ये बन जाएगा देखो आपका R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बराबर 1 बाई R इक्विवेलेंट ठीक है. और ये आपका क्या आ गया, E इक्विवेलेंट, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया नोट, हो गया चलिए नोट कर लीजिए. एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे बेस्ड, जैसे आपके पास क्वेश्चन देखो, ये आपके पास सेल है, ये 3 6 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 9 वोल्ट है ठीक है, ये 6 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये आपकी 9 वोल्ट. ये रेजिस्टेंस आपका, ये मान लिया आपने 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये भी आपका 2 ओम का, मान लो 6 ओम का बड़ा हो जाए, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस. तो ये इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड, वही निकालना, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, क्या निकालना है, ई इक्विवेलेंट निकालना है और आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट. निकालिए क्या बन जाएगा, 1 बाई ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला,
E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 divided by ये E equivalent 1 by R1 plus 1 by R2 फॉर्मूला याद रखना है, वो डेरिवेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए करवा दी, ठीक है। तो E equivalent इसमें कुछ और वैल्यू ले लो ताकि आपस में कट जाए ना, ये तीन से इसको 3 लिख लो, 3 से सारे वेरिएबल है, इसको मैं 3 लिख लेती हूँ, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 भी 6 भी है ना, इसे 3 से लिख लो, ठीक है। तो ये बना E1 की वैल्यू 6 बाई 3 और ये क्या बना -3/3, क्योंकि देखो ये अपोजिट पोलरिटी में इन दोनों से इसकी पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस लिया, प्लस 9/3 और नीचे ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो ये बन जाएगा आपका 3 -1 + 3 डिवाइडेड बाय ये 1, ये बना 6, 6 - 1 = 5 कितना बन जाएगा 5 volt कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट आपका 5 volt और यही आएगा ना 3 2 आएगा ये आपका, ये 2 आएगा 3 2 जा 3 3 तो ये आपका आ जाएगा 4 volt ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे बना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम। आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा आपका 1 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो, नोट करो जल्दी से 1 2 3 जल्दी नोट करो, नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन को समझ आ गया। इस तरीके से आप पैरेलल के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आप लोग सोल्व कर सकते हो, जल्दी नोट कर लो, नोट हो गया। आगे देखिए, एक नोट डाल लीजिए, नोट डाल लो, इफ एम सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ एम सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट ईएमएफ, इफ एम सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट ईएमएफ, फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ। देखो एम सेल है कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, इस तरीके से ये एम सेल्स है आपकी, कितनी सेल्स है ये एम सेल, किसमें कनेक्ट है ये पैरेलल में, एम सेल किसमें कनेक्ट है पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E1 ई बाई या ई, सबका ई एम एफ ही है, सबका ई एम एफ क्या आपका ये है, ठीक है। ई बाई आर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है, ई बाई आर प्लस ई बाई आर अप टू एम तक जाएगा एम सेल, ठीक है। इसी तरह ये बना 1/R प्लस 1/R प्लस 1/ तो क्या बनेगा ये एन ई बाई आर, तो ऊपर क्या बन जाएगा सारी सेल आपस में ऐड होगी, क्या बन एन ई बाई आर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा एन बाई आर, एन से एन कैंसिल नीचे वाला भी, अरे ये सब क्या बन जाएगा एन बाई आर बन जाएगा ईएमएफ। तो पैरेलल में जितनी भी सेल कनेक्टेड रहेगी उनका ईएमएफ कितना रहेगा, हमेशा ई रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मतलब पैरेलल में जितनी भी सेल रहेंगी उन सबका ईएमएफ हमेशा क्या रहेगा सेम, पैरेलल में ईएमएफ ऑफ द सेल ऑलवेज सेम, नोट कर लीजिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ दो ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेम, ठीक है। अब केस देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए, एम सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, जैसे आपने सीरीज के लिए करा वैसे आप पैरेलल के लिए करेंगे, इफ एम सेल्स, इफ एम सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड करंट, क्या निकालना आपको करंट निकालना, ठीक है। देखो एम सेल्स हैं
ईएमएफ तो अभी मैंने प्रूव कर दिया कि पैरेलल में ईएमएफ हमेशा सबकी क्या रहेगी, सेम। तो ई इक्विवेलेंट क्या रहेगा, ई आर, देखिए 1/r पैरेलल में है तो 1/r प्लस में वन बाई आर कितने टाइम्स है ये, एम टाइम्स, कितना हो जाएगा ये एम बाई आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका आर बाई, ठीक है। किससे कनेक्टेड है ये एक आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास R प्लस में R बाई एम। अब करंट I क्या बन जाएगा, E R प्लस में R बाई एम। I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एम ई एम आर प्लस में R। ये कब था, पैरेलल का केस। केस नंबर वन देखिए, केस फर्स्ट, इफ R ग्रेटर देन है किससे, एम आर से, तो करंट क्या होगा एम ई बाई मैक्सिमम। देखो सीरीज में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा था, सीरीज में जब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा था तब करंट क्या था, मैक्सिमम, ठीक है। केस सेकंड, इफ एम आर ग्रेटर देन किससे, आर से, आई क्या हो जाएगा ई बाई आर मिनिमम। तो सीरीज में तो कब मैक्सिमम था करंट, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा था, और पैरेलल में करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेल का ज्यादा होगा। पैरेलल में करंट मैक्सिमम कब होगा, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए पॉइंट, जल्दी से जल्दी नोट कर लो, 1 2 3। फिर एक पॉइंट और डिस्कस करते हो, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जल्दी नोट कर लो। नोट हो गया यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा क्या, ये एक बार दोबारा से लिख दो। केस सेकंड, अगर आपके पास एम आर ज्यादा है किससे, आर से, तो आई क्या हो जाएगा ई वाई आर मिनिमम, ठीक है। दिख नहीं रहा था जरा नीचे कैमरे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, देखो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सीरीज में, एम रोज बना रही, एन सेल सीरीज में, और कितनी रो है वो एम रोज में कनेक्टेड है, कितनी रोज में कनेक्टेड है वो एम रोज में। जैसे देखिए ये एन सेल है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, देखो तो देख, ठीक है। कितनी रोज बना रही है वो, एम रोज, ठीक है। इस तरीके से कितनी रोज है वो, ये एम रोज में कनेक्टेड है। मैंने तीन ही दिखाई है, पर ये कितनी रोज है, ये एम रोज, कितनी रो है इसमें, ये एम रोज, ठीक है। ये एन सेल्स, कितनी सेल है ये, एन सेल सीरीज में, और रो कितनी है, एम रो, 1 2 3 इस तरह से कितनी रो है ये नीचे तक, एम रो, ठीक है। तो निकालिए ई इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा सीरीज में, देखो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा, एन ई, पैरेलल में तो एन ही रहना है सबका, पैरेलल में तो सबका एन ही रहेगा ना, सबका मिक्स बनाओगे तो देखो ये बनेगा ना ऐसे, एन ई एन ई, सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये एन आर एन आर, इस तरीके से बन जाएगा सर्किट। हर एक सेल का ई एम एफ एन ई हो जाएगा, ये सबका एन ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ई एम एफ सबका ई है, हर एक का ई एम एफ कितना आपका ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस
कितना आपका R है, ठीक है। EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R इक्विवेलेंट इन सीरीज, R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R प्लस R NR इन सीरीज, N सीरीज। अब ये NR NR किसमें है, पैरेलल में, तब R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 1 बाय NR प्लस 1 बाय NR प्लस 1 बाय NR, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो कितने टाइम है ये, M बाय NR, कितनी रोज है M, कितनी रो है ये, M रो। फिर जो समझ लीजिए ये N सेल सीरीज में थी, N सेल सीरीज में तो सबका इक्विवेलेंट EMF NE हो गया, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया NR। अब ये आपस में क्या बना रही है, M रो बना रही है, कितनी रो बना रही है ये, M रो, ठीक है। तो पैरेलल में EMF तो NE ही रहेगा, पैरेलल में EMF तो चेंज होगा नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में तो NR बन गया। पैरेलल में कॉम्बिनेशन हर एक का NR 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 कितना बनेगा, M टाइम्स है ये, कितने टाइम्स है रो, M रोज, कितना बन जाएगा, M बाई R। तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा आपका यहाँ से, NR बाई M, NR बाई M, इसको R डैश लिख देती हूँ छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, NR बाई M आ जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर किसी एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आपका R है बाहर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर आर प्लस में एन आर बाई एम, आर प्लस में एन आर बाई एम हो जाएगा। आई क्या बन जाएगा आपका, आई क्या बन जाएगा, एन ई टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ये दिख तो रहा है इधर या नहीं दिख रहा, एक सेकंड, दिख रहा है आपको कैमरे में, दिख तो रहा है थोड़ा सा, ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ से लाइन लगा देती हूँ, दिख रहा है ये अभी। तो देखो ये बन जाएगा आपका, ये M रोज है, यहाँ से शायद दिख रही है, ठीक है, M रोज है तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ से E इक्विवेलेंट कितना बन गया आपका M ही, और R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा आपका, R प्लस R R डैश एन आर, ठीक है। अभी आपस में पैरेलल में थे तो ये आ जाएगा आपका, जल्दी से इतना नोट करो फिर आगे लिखते, दिख रहा है ना आपको इतना ये, ठीक है, अभी दिख रहा है सारा, नोट करो जल्दी से, इतना नोट कर लिया, हटा दूं, 1 2 3 जल्दी पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो आगे, ठीक है, अब आगे देखो ये बना अब आपका I, कितना जाएगा टोटल ईएमएफ, कितना एन ई, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस में एन आर बाई एम, तो ये आ जाएगा टोटल करंट इन मिक्स्ड। तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू एम एन ई बाई एम आर प्लस में एन आर, ठीक है। अब इस केस में देखो करंट भी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम होगा कब, जब एम आर प्लस एन आर क्या होगा, मिनिमम, ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, जब एम आर प्लस में एन आर क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मिनिमम करने के लिए इसको जो एम आर प्लस एन आर है इसको ऐसे लिख दूं मैं, एम आर थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, दो तरीके समझाते, जिसको तुम्हें इजी लगे उसको फॉलो कर लेना। इसका एम आर का स्केयर और अंडर रूट, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो इसका स्केयर कर दिया और इसका अंडर रूट, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस एन आर का स्केयर और इसका अंडर रूट, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँ, ये सब लिख लिया इधर से, इसमें मैंने क्या किया, इसमें आप लोग प्लस का टू रूट एम आर एन आर एड कर दिया और माइनस का टू रूट एम आर एन आर घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैंने जो एम आर एन आर था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया,
एम आर एन आर को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा, तो मैंने इसका स्केयर स्केयर रूट कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मैंने स्केयर और स्केयर रूट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें मैंने यही फैक्टर ऐड कर दिया, यही फैक्टर घटा दिया, तो बस ये ऐसे कुछ बन गया। ये वैल्यू कुछ ऐसे बन गई, एम आर रूट एम आर माइनस एन आर का स्केयर माइ प्लस टू रूट एम आर एन आर। ठीक है, तो ये फैक्टर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एम आर माइनस एम आर एन आर, ये एन है एन आर इसका अंडर रूट, इसको इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम। अरे देखो ये मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा करंट, ये फैक्टर जब आपका मिनिमम होगा तभी तो ये फैक्टर मैक्सिमम होगा आपका। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम आर, ये उधर चला जाएगा तो इसके रूट से कैंसिल, प्लस एन आर का अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो एम आर बराबर होगा किसके, एन आर। जब एम आर एन आर के बराबर होगा तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। जब एम आर आपका एन आर के बराबर हो जाएगा तब सर्किट में करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम। नोट कर लो एक बार इसको, ये सिर्फ मैंने एडजस्ट करके लिखा, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती थी इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक दूसरा तरीका भी, जैसे आप मैक्सिमम और मिनिमम करते हो वैसे सेकंड मेथड से करते रहते हो, इस चीज को मैं करूं, इसको पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, हो गया, लिख लिया, नोट कर लिया। देखो एक बार इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास m और n दोनों ही वेरिएबल है तो a को कन्वर्ट कर लो। देखो n सेल्स है m रोज में, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होगी, देखो माने 12 सेल है, कितनी सेल है 12 सेल है तीन रो में, तो एक सेल और कितनी होगी टोटल नंबर, तीन सेल है आपकी, मान लिया तीन सेल है आपकी 12 रो में, तीन रो में चार रो में, तीन सेल है चार रो में, तीन सेल हर एक सेल में तीन है, हर एक सेल में चार रो बनी। देखो ये ऐसे देखो, ऐसे देखो ये चार रो बनी, भले इसको रो बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन, इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। तीन सेल इन ईच रो, फोर रो है और हर एक रो में कितनी रो सेल है, तीन, चार रो है और हर एक सेल में कितनी रो, टोटल कितनी हुई आपकी 12 ऐसे लिख सकती हूँ, 3 × 4 एन तो सेल है, कितनी रो है एम, एम इंटू एन, एम इंटू एन क्या बताएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एम इंटू एन क्या बताएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, एम इंटू एन क्या बताएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो मैं यहां से इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, एम इंटू एन बराबर किसके, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आप डिफरेंस मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन वैसे कर लो, डिफरेंशिएशन कर दो इस क्वांटिटी का, डी आई बाई डी एन, डी एन के रिस्पेक्ट में कर लो या एम के रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में करो तो एन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और एम के रिस्पेक्ट में करो तो एम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये एम एन तो एन बन गया, इसको क्या करो थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, पहले ये बन गया एन इंटू ई, इसको क्या करो एम से एम है ना एम आर, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो और एन से ही डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर n से डिवाइड, तो m इंटू एन ये कैपिटल n बन जाएगा, तो ये बना n e by n r by n प्लस में n r, ये कुछ फॉर्म बन जाएगी आपकी। मैं s की फॉर्म मैंने क्यों करूंगी, मैं n के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ, वेरिएबल तो दोनों ही है m भी और n भी, वेरिएबल तो दोनों ही n भी और है, मैंने n की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मैं अगर मैं m की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर मैं m से डिफरेंशिएशन कर दूंगी। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, तो n के साथ करने के लिए इसको ऐसे लिख लिया, तो ये बन जाएगा अब आपका यहाँ से, तो d बाई डी एन, तो क्या करोगे d बाई डी एन इंटू एन ई अपॉन में एन आर
डिवाइड बाई एन प्लस एन आर इज इक्वल टू जीरो। यही करते हैं ना मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो, तब भी एम आर बराबर एन आर आ जाएगा। करके देख लेना तब भी क्या आ जाएगा आपका एम आर बराबर में एन आर। करूँ या कर लोगे, कर लो डिफरेंशिएशन। तो एन भी तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, बाहर निकाल लो, इसका कर लोगे डिफरेंशिएशन। ये कर लेना आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग। तो ये कर लो, ट्राई कर लो आप लोगों फटाफट, मैं नहीं कर रही, आप लोग कर लो, पॉज करके ट्राई करो एक बार फटाफट। कर लोगे ये? करूँ मैं भाई, कर लेना, मैं रहने देती हूँ, खुद कर लो, दूध भी टांग पैर लगाए करो, कुछ कर लोगे डिफरेंशिएशन। ज्यादा डिफरेंशिएशन करोगे तो एम आर बराबर एन आर आ जाएंगे। कहीं ऐसे दे रहे बावड़े की तरह, पता नहीं क्यों छोड़ दिया हमारे भरोसे, ला कर देती हूँ पागलों की तरह। कुछ नहीं, ये एन भी तो बाहर निकाल लो, इसका करो डिफरेंशिएशन। एन आर डी बाई डी एन पाई एन प्लस एन आर, इसको सॉल्व कर लो पहले थोड़ा, यहाँ पे इसको बाहर रख लो, डी बाई डी एन एंड इसको तो एज इट इज बाहर रख लो। ये एन ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा एन आर प्लस में एलसीएम ले लिया मैंने, एन स्केयर आर, एलसीएम का फॉर्मूला कर लो डिफरेंशिएशन। एन आर प्लस एन स्केयर आर का स्केयर, ठीक है, तो ये एन आर प्लस में एन स्केयर आर इसका करेंगे वन हो जाएगा, माइनस एन एज इट इज इसका तो जीरो, इसका करेंगे तो ये बनेगा टू एन आर, ये बन जाएगा बराबर जीरो। आगे सॉल्व कर लो इसको, ये हटा दो सब मैं यहाँ से, तो इसको हटाऊंगी यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका इधर से देख लो और लिख लो थोड़ा, एन आर प्लस एन स्केयर आर माइनस टू एन स्केयर आर, ये तो जीरो बराबर जीरो ही हो जाएगा सारा, बाकी सब इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, तो यही बचेगा। अरे एन ही तो जीरो हो नहीं सकता, ये पूरा फैक्टर में जीरो पुट कर दिया, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये बना एन आर प्लस माइनस ये बराबर इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस टू एन स्केयर आर बराबर जीरो, एन आर बराबर टू एन स्केयर टू नहीं है, ये टू में से एक चला जाएगा तो माइनस का एक बचेगा एन स्केयर आर, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, एम इंटू एन यही पुट करी थी, एम इंटू एन बराबर आर एन स्केयर आर, एक एन से एक एन चला गया तो एम आर बराबर ये कंडीशन आ गई या नहीं आ गई, तो वो मैंने दूसरे दोनों मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो पुट कर दो या उसके रूट के पुट कर दो, तो मिक्स्ड में करंट जब का मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरनल मिक्सिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स और मैं डिस्कस करूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों।